मोटर व्हीकल संशोधन बिल। जी हाँ, 2019 में लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल को पास कर दिया गया है और अब इसके तहत कई नियम और कानून लागू कर दिए गए हैं। और अगर अब नियमों को तोड़ा जाएगा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, इस बिल में कई सारे नियम और कायदे लिखे हुए हैं और वो हम आपको बताते हैं। और इसमें लिए जाने वाले चालान, नियम तोड़ने पर जो चालान लिया जाता है उसके बारे में भी डिटेल्स दी गई है। सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपये का चालान बनता था, लेकिन अब वो चार्ज बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो पहले उससे 2,000 रुपये जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब ये जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं लिमिट स्पीड से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने वालों से पहले 500 रुपये वसूले जाते थे, लेकिन अब ये 5,000 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं बिना लाइसेंस के अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। बिना लाइसेंस के व्यक्ति को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों से पहले 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं दो पहिया पर दो से ज़्यादा सवार हुए व्यक्तियों के चालान काटे जाते थे तो वो चालान 100 रुपये का होता था, लेकिन अब ये चालान 2,000 और 3 महीने के लिए आपकी गाड़ी जब्त भी हो जाएगी इसमें। जी हाँ, इस चालान में अगर आप टू व्हीलर पर दो व्यक्तियों से ज़्यादा बैठे हुए हैं तो आपसे 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और उसके बाद 3 महीने के लिए आपकी गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाएगा। और अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो पहले कुछ नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ये जुर्माना सीधा 10,000 रुपये लागू कर दिया गया है। तो मोटर व्हीकल संशोधन बिल जो कि 2019 में लोकसभा में पास किया गया है, उसमें कई नियम कायदे जोड़े गए हैं और पहले जो जुर्माना लिया जाता था उसमें बढ़ोतरी की गई है ताकि लोग नियम कायदों का पालन करें और ट्रैफिक ढंग से संचालित हो सके। इसके लिए मोटर व्हीकल संशोधन बिल कई नियम और कायदों के साथ लोकसभा में पास किया गया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.